ये लो, ये अपना इंडियन रेलवे, पानी भी नहीं आ रहा इसको। सो गाइस फाइनली जो है टेबल वगैरह कर लेते हैं यहीं पर, उसके बाद की बाद में शुरू होते हैं। ये हमारे वही अंकल जी हैं जिन्होंने हमें पूरा घुमाया जबलपुर। फाइनली गाइज पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:45। जो ट्रेन है वो अप्रॉक्स 10:24 के आसपास आएगा, फिर उससे भी लेट हो सकता है। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरा दोस्त भी जो साथ में आया हुआ है। सो गाइज ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे एक खास है वो ये है कि सामने जो है जो पंखे लग रहे हैं वो लग रहे हैं हेलीकॉप्टर जैसे, एंड जो ऊपर जो छत है जो रूफ है वो बिल्कुल आसमान तरह में बना था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लग रहा है। वहीं कुछ लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जिनकी ट्रेन लेट है मेरी तरह। एंड मुझे अभी पता लगा है कि जो मेरी ट्रेन है वो 3.5 घंटे लेट है। सामने जो है वो आप दिख रहा होगा जो बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड बेसिकली इनके एयर क्वालिटी को बताता है। तो गाइस 12:04 हो चुका है, अभी लोकमान्य तिलक जो मुंबई वाली गाड़ी थी निकली है, पीछे खड़ी है नर्मदा एक्सप्रेस, अभी वो आने वाली है, बस वो गई है तो वो आएगी अब। बाकी यार बहुत लेट हो गया है, थके थके से महसूस कर रहे हैं, बस जल्दी से आ जाए। गाड़ी है वो आ गई है, गाड़ी नंबर है 18234 एंड ये नर्मदा एक्सप्रेस है। जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये लोकल ट्रेन है या फिर ये इंटरसिटी है, बिकॉज बिलासपुर से चल के ये जाती है अपना इंदौर, एंड इसके बीच में पूरे 50 स्टेशन है, हर 10 से 15 मिनट बाद इसका स्टेशन है, वहाँ पर 2-5 मिनट रुकते हैं। भोपाल में जबलपुर में ये जो है 15 मिनट के लिए इसका स्टॉप है, 15 मिनट के लिए रुकता है, पर फटाफट चलते हैं एंटर करते हैं, जाकर शायद सो जाऊँगा एंड ब्लॉक के यहाँ पर रोक कर फिर जैसे सुबह मॉर्निंग होगी आगे खुलेगी उसके बाद। सो गाइस गाड़ी जो है फाइनली वो पहुंची है मंडी दीप। ब्लॉगिंग कर रहे हैं? हाँ जी भैया। ये जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा लेट थी एंड मैंने जो है जबलपुर में चढ़ा था यहाँ पर और थका हुआ था बहुत ज़्यादा, सो पूरे रात जो है सो कर आया हूँ। एक तो ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था, हालांकि स्लीपर के मतलब कोच है मेरी, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई चद्दर वगैरह था नहीं, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि भाई ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगा, फिर मैं तौलिया वगैरह उठ के सो गया था। अब भी जो है मंडीदीप पहुँची है, 3 घंटे+ लेट है, उज्जैन पहुँचने में अप्रोक्स 10 बजे 11 बजे तक पहुँचेगा, बट अब आगे की जो जर्नी है भोपाल वगैरह की सब मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरे ब्लॉग में बने रहना। ये है कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड अच्छी बात ये है कि ये है प्राइवेट स्टेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ 5% अधिकार है। बाकी ये दो भाई अपने साथ हैं, इनको इसके बारे में डिटेल में बताएं, इसकी कुछ खासियत क्या है? भैया इसमें मतलब पूरा अंडरग्राउंड है यार, जैसे जैसे देखिए इसका मतलब पूरा, ये पहली बात तो 4 फ्लोर्स में बना हुआ है, पहला फ्लोर ये है, इसके बाद अंडरग्राउंड में सारे फ्लोर हैं। उसके बाद क्या है, ये दो एक कंपनी है बंसल एंड सन्स करके, उनको मेन सरकार ने दे दिया कि आप इसको बनाइए, तो अब वो इन्होंने 8,000 करोड़ रुपये लगा कर ये पूरा स्टेशन बनाया है। और ये एक ऐसा स्टेशन है, ऐसा लगता है जैसे कि आप उस पर एयरपोर्ट पे खड़े हो, सेम उस टाइप का आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। अभी आप जैसे वहाँ देख रहे हैं वहाँ आपको जैसे मॉल टाइप फीलिंग वो देखो जैसे नहीं होता है अंदर पूरा जो मॉल में होता है ना सब है उसमें। अभी यहाँ पूरा अंडरग्राउंड टनल्स है पूरा,
अच्छा एक बात है यहाँ का जो मैं सफाई की बात करूँ ना, तो साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लोगों ने करके रखा हुआ है, प्रॉपर डस्टबिन वगैरह लगाया हुआ है हर जगह, यहाँ वहाँ मतलब सही डिस्टेंस पे जो है डस्टबिन वगैरह सब कुछ है। ऊपर से जब यहाँ पर आते हो तो प्राइवेटकरण हुआ यहाँ पर, तो सफाई की कोई दिक्कत है नहीं, साफ सुथरा है, माहौल बड़ा प्यारा है। ऊपर से और जगह आप जाते हो तो जो ये डिस्प्ले होती है थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, बट इसका तो डिस्प्ले है वो बहुत ही लाइक अलग टाइप का है ऑल सबसे। तो और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ऊपर से जो है वो कह रहे हैं उधर जो बनाया गया जो सेकंड फ्लोर बनाया गया वो बिल्कुल मॉल की तरह बनाया गया है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हो आपके लिए, एक अच्छा घूमने का जगह कह सकते हो। सुखाई अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी गाड़ी है वो ज़्यादा देर रुकी नहीं है, बस 4 से 5 मिनट के यहाँ पर स्टेशन है, स्टॉप है, एंड 5 मिनट से पहले यहाँ से निकल लिया है। जितने भी यहाँ पर चाय बेचने वाले हैं सारे के सारे आई थिंक इनका मतलब प्रॉपर तरीके जॉब पे रखा गया है इनको, एंड इनके जो ड्रेसिंग सेंस है, इनके जो ड्रेसिंग कोड है वो सब और जगह से बहुत डिफरेंट है। ये है भोपाल और अपनी ट्रेन है वो भोपाल पहुँच गई है। अभी जो टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्स 7:45 के आसपास हो रहा है। भोपाल जो है यहाँ पर यदि आप घूमने आते हो तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको घूमना चाहिए और बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला तो है कि अपर लेक एंड दूसरा लोअर लेक। अपर लेक लोअर लेक दोनों इकट्ठे ही हैं लेकिन एक ब्रिज है साथ में जो इन दोनों को अलग करती है बेसिकली। और ये दो लड़के अपने हैं जिनको भी उज्जैन ले जाना है और इन दोनों मेरे यहाँ मिल गए। कुछ भोपाल के बारे में कुछ पता है? हाँ भैया, ये बेसिकली राजा भोज की नगरी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री वाली बात है। भीड़ की बात करो, क्राउड की बात करो, नॉर्मल है। सामने एक ट्रेन खड़ी है, ये कौन सी ट्रेन है? कोई कहीं बाहर जा रही है मतलब साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि तो लिख रहा है वो समझ से बाहर है हमारे। अपनी जो ट्रेन है यहाँ पर खड़ी है, थोड़ी लोकल टाइप की ट्रेन है यार, बहुत ही गंदी ट्रेन है, बहुत ज़्यादा लेट भी है। कैसे होंगे जी आप? ऑल गुड। अच्छी बात है कि अंकल जी को वीडियो बनाने से नफरत है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अंकल जी जो यूट्यूबर टिकटॉकर्स जितने भी वीडियो बनाने से नफरत तो नहीं है अंकल जी आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? सबका अपना अपना शौक है, सब अपने अपने चलते रहते हैं। सो गाइस फाइनली 15 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकती है, 15 मिनट ट्रेन रुकने के बाद खुल गई है। अब जो नेक्स्ट स्टॉप है उसका जो है वहाँ पहुँच के बताएंगे आपको। कुछ स्टेशन जो है स्किप करेंगे क्योंकि इसके 50 स्टेशन है टोटल, लाइक बिलासपुर से लेके इनका इंदौर तक। सो ये जो ट्रेन है मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्लो भी है, एंड अभी जब मैं वहाँ से आ रहा था अपने घर से, जो मेरे जूनियर को छोड़ने आए थे कैब वाले, वो ये कह रहे थे कि बेटा इसका हिस्ट्री निकालोगे तो आपको हमेशा लेट ही मिलेगी और 3-2 घंटे हमेशा लेट रहती है। सो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि इस ट्रेन से भाई मेरे सफ़र मत करना कभी भी, यदि आप ज़्यादा पंक्चुअल हो टाइम का, लाइक थोड़ा सा ऐसा रहता है। मैं तो जब आ आदमी हूँ, घूम रहा हूँ मस्त होकर। ये जो गाड़ी है इसका नंबर है 18234 एंड ये भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आके स्टैंड करती है। यदि आपको कन्फ्यूजन हो प्लेटफॉर्म को लेकर तो आप इस वीडियो को देख के पता लगा सकते हो कि हाँ 5 नंबर पे आएगी एंड आपको यहीं से ट्रेन पकड़नी है। ब्रश वगैरह कर लेते हैं एंड कुछ खाना पीना भी होगा, अभी टाइम जो है 9 बजने वाला, भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। ये लो ये अपना इंडियन रेलवे, पानी भी नहीं आ रहा इसको। हट जाओ। गाइज फाइनली जो है ट्रेन वगैरह कर लेते हैं यहीं पर, उसके बाद की बाद में कुछ होते हैं।
मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं पूरा अच्छी तरह से। अब ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा बिस्किट हमने रखा हुआ है खाने के लिए एंड बिस्किट साथ में ये लोकेशन। अभी पहुँचे हम सीहोर, यहाँ से भी उज्जैन काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट वेट एंड वॉच कब तक पहुँचेंगे कुछ आइडिया नहीं है। गाइस अभी भी हम पहुँचे हैं सुजालपुर। यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखने को मिली है जो बताता हूँ, यहाँ पर फैमिली डेटिंग चल रही है, मतलब फैमिली पिकनिक मना रहे हो भी खेत में। हमने सुजालपुर का स्टेशन है और यहाँ पर लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठ कर। क्या सीन है, सोचो ये लोग भी कितने लाइक, मतलब ना पैसे खर्च कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और अपना मज़ा का मज़ा, सुकून का सुकून, मतलब ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है कि हाँ भाई चलो बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं या फिर लाइक बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। सुखाई हमारे साथ एक प्यारा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज, अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो कोई गर्लफ्रेंड है वहाँ पे? नहीं है। लाइक करते हो? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लाइक करते हो या नहीं? नहीं करते। जिंदगी जिंदगी जीनी है। स्कूल में या नहीं है? अच्छा, मम्मी ज़्यादा प्यार करते हैं पापा? दोनों करते हैं। कितने देर हो गया? हाँ लो, नहीं खाओगे? मत खाओ। ग्रीन छोटे 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 आपको देख रहा है ये। चल 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 जल्दी करा। अरे यार छोटे चल, बच्चा तो गेम बना ही देगा। सो फाइनली हमारी जो डेस्टिनेशन थी उज्जैन वो फाइनली आ गई है। बस दो तीन मिनट में गाड़ी हमारी रुकने वाली है एंड वहाँ उतर के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मेरा दोस्त जो है वो वहाँ पर आके वेट करे या फिर फटाफट करूँगा रैपिडो एंड रैपिडो से जो है निकल जाऊँगा। निकलने के बाद आगे की जो जर्नी है वो आपको आगे बताऊँगा, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा है। बाकी ये सारे लोग थे ग्रुप में, लास्ट में बड़ा मज़ा आया। इनिशियल तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, हमारे साथ में अंकल जी है। अंकल जी की आज सोच बदल गई है। ये अंकल जी का लड़का है, ये पहले मुझे बता रहा था कि पापा जो है वो लाइक वीडियो वीडियो के लिए बड़ा मतलब ऐसा खिलाफ रहते हैं, नहीं ऐसा फालतू चीज़ आप, लेकिन नाउ नाउअडेज अंकल जी पक्का चेंज हो गया ना। बट अंकल जी का कहना ये था कि भाई जो ऐसे छमक छल्लो वाले डांस वांस करते हैं ना, मतलब हाँ आगे प्रदर्शन कुछ ऐसा करिए जो लोगों को प्रेरणा मिले और देख के कुछ सीखने को मिले कि हाँ कि आने वाला जनरेशन आपको फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को जानने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि अपने आप को रिस्क करके अपने परिवार को प्रॉब्लम में डाल के और ये सब यूट्यूबर चैनल बने। बच्चा है ये, इसकी दांत देख रहे हो, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा ये। चल छोटे बाय बाय, चल तू बाय कर सबको, बाय करो। जो भीड़ है गाड़ी में उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है एंड ऑलमोस्ट जो है मैं कंपेरिजन करूँ अदर स्टेट की गाड़ी से, लाइक जो बिहार जाती है फिर जो यूपी जाती है उसके कंपैरिजन में एमटी की जो गाड़ियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा खाली होती है। ये सामने खड़ा हो गया बट इसके ऊपर से दिखाओ तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है खाली रहता है। लाइक अब मतलब वेटिंग से भी आते हो तो बड़े प्यार से बैठ के जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो एमपी के लोग हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको मतलब लेटने वेटने के थोड़ी बहुत जगह दे सकते हैं, पर जो बिहार के लोग हैं वो तो बस। सो फाइनली पहुंच गए गाइज एंड यहां से जो है क्या बोलते हैं जाएंगे अपने घर की तरफ दोस्त के रूम पे, वहां पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे थोड़ा आराम करेंगे। ठीक है, पाँच में से दो की रेटिंग दूंगा मैं। ओवरऑल जो है मज़ा तो आया साथ में क्योंकि सारे लोग थे बड़े मज़ेदार सफर अच्छे से कट गए हैं। चलो ये लोग भी जो घूमने आए हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी होगा इनको। सो गाइज फर्स्ट टाइम इन उज्जैन, पहली बार ही है मेरा ये एंड हमें अच्छा लगा है उज्जैन, तो हम बार बार ही आएंगे क्योंकि महाकाल के दर्शन तो करने ही करने हैं और उसके साथ उज्जैन सिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होंगे तो अगैन एंड अगैन आते रहेंगे। ये है अपना उज्जैन का बाहरी कशीन रेलवे स्टेशन के पास का। हालांकि मुझे होटल वाला टेंशन है नहीं क्योंकि मुझे होटल में रहना नहीं है, दोस्त के रूम पे रहना है। हेलमेट हेलमेट का खाना, हेलमेट नहीं लगाना ना, पिन कोड ले लो 5895। गाइस फाइनली जो हमारा दोस्त है वो आ गया है। कैसे हो? अच्छा, बिल्कुल मैं एकदम।